मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, जितनी मैंने आज तक न्यूट्रिशन की जानकारी निकाली है, ये मैं जान गया हूँ कि बॉडी की ग्रोथ करने में 50% रोल दूध का होता है या फिर दूध से बनी चीजों का होता है। आपने पढ़ा भी होगा एंड आप सर्च भी कर सकते हो, दूध एक संपूर्ण भोजन होता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ करने में 50% रोल, ठीक है, या उससे ज़्यादा आप लगा सकते हो, इतना रोल दूध का होता है। आज जो सच्चाई मैं आपको भैंस के दूध की बताने वाला हूँ और गाय के दूध की भी, तो शायद ही ये सच्चाई आपको कोई बताएगा। हाँ, वीडियोस बनी पड़ी है, वो फैलो मिल्क वर्सेस काओ मिल्क, इनमें डिफरेंस बता रखा है, इसमें फैट ज़्यादा होता है, इसमें फैट कम होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा, इसमें प्रोटीन कम, ये चीज़ें बता रखी है। लेकिन जो सच्चाई है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं, राममूर्ति जी बोलते हैं, जो एक ताकतवर ब्रह्मचारी बोलता है इस दूध के बारे में, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं गाय की बात करूँगा, लेकिन मैं किस गाय की बात करूँगा, अपनी भारतीय देसी गाय जिसके ऊपर कुबड़ होता है वो, ठीक है, उस देसी गाय की बात करूँगा। मैं उस गाय की बात नहीं करूँगा जो अमेरिकन होती है, ठीक है, जर्सी वाली होती है, अमेरिकन गाय की बात नहीं मैं करूँगा, ठीक है ना। अमेरिकन गाय बहुत सारे लोगों के घर में शायद होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ, शायद आपको दुख लगे इस बात का, उसका दूध, उससे अच्छा भैंस का दूध पी लो, उसका दूध बिल्कुल कतई जहर होता है, ठीक है ना भाई, कोई फायदा नहीं। एक तरफ से बोलूँ वो पानी होता है, बिल्कुल पानी, उससे अच्छा पानी पी लिया करो, बारिश का पानी पी लिया करो, वो बहुत फायदेमंद होगा आपके। सबसे पहले बात करूँगा गाय के दूध की। गाय का दूध पीने से फेफड़े मजबूत होते हैं, ये फेफड़ों के लिए लाभकारी होता है, मतलब आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपका प्राणायाम का समय बढ़ेगा। अगर फेफड़े मजबूत हुए तो प्राणायाम का समय बढ़ेगा, और अगर प्राणायाम का समय बढ़ा तो ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद गाय का दूध पीने से आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, मतलब जिनको चश्मा लगा हुआ है उनके लिए भाई सबसे बेस्ट है। अगली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, गाय का दूध अगर कोई बचपन से पी रहा है, लंबे समय से पी रहा है, तो उसको जल्दी बुढ़ापन नहीं आता। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, गाय का दूध सिर्फ 2 घंटे में पच जाता है, सबसे बढ़िया लगा मुझे। मतलब जिनको पाचन तंत्र की दिक्कत है ना, जिनको लगता है कि मैं ये खपा नहीं पाता, वो खपा नहीं पाता, भाई देसी गाय का दूध, जैसा मर्जी है आपका पाचन तंत्र, जल्दी डाइजेस्ट होगा और ताकत भी देगा। अब आता है भैंस का दूध। तो देखो भाई, भैंस का दूध तो मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ देसी गाय के दूध का प्रबंध करने की। लेकिन जो इसमें लिखा है, जो सच्चाई है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। भैंस का दूध उपयुक्त कई रोगों के लिए तो बिल्कुल निकम्मा है, तथा कई रोगों पर बहुत लाभकारी भी है, तो मतलब वो भी बहुत कम मात्रा में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 9 घंटों में पचता है भैंस का दूध। इसको पीने से नींद आती है, नींद सताती है, जब आप सुबह पीते होंगे तो आपको फील भी होता होगा कि यार सो जाऊँ, दिन में काम नहीं होता, इसलिए रात को पीना चाहिए जितना हो सके। उससे बड़ी बात, गर्मी रहती है इसको पीने से। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पचा लेता है इसको। हाँ, आयुर्वेद में ये बात लिखी है कि भैंस का दूध पहलवानों के लिए बना है, वही इसको अच्छे से पचा सकते हैं। और हाँ, मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं कि आप यार मतलब पियो ही मत। अगर अच्छा वर्कआउट है, तगड़ा एडवांस लेवल का वर्कआउट करते हो, तो डाइजेस्ट कर भी लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हर किसी के बस का नहीं है कि पूरे का पूरा पचा ले इसको, ठीक है। और पचा भी लेता है तो मतलब फैट बहुत ज़्यादा आता है, मतलब फैट ज़्यादा आता है, मसल्स इतना नहीं आता, फैट ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो गाय के दूध में विटामिन ए डी बहुत अधिक मात्रा में होता है, गाय के दूध में आयोडीन और केरोटीन होता है। अगली चीज़, गाय का दूध में प्रोटीन जो होता है, गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है वो अधिक आसानी से पच जाता है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। गाय के दूध रोगों को भगाता है। और हाँ, प्रोटीन अगर सप्लीमेंट लोग क्यों लेते हैं, सबसे पहले ये समझो, सप्लीमेंट इसलिए लेते हैं लोग ताकि उनका जो प्रोटीन होता है सप्लीमेंट का, वो जल्दी बॉडी में जाता है। मतलब अगर आप गाय देसी गाय का दूध पीते हो, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जो कि बॉडी बनाता है, मसल्स की रिकवरी करता है, ठीक है ना, तो वो जल्दी पचता है और जल्दी हमारी मसल्स की रिकवरी करता है। तो मतलब आपके लिए जो मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कुछ भी बॉडी बना रहे हैं, तो भाई आपके लिए तो ये अमृत है, हैं। और इसमें आयुर्वेद में भी लिखी है ये बात, और ब्रह्मचार्य साधन जो पुस्तक है उसमें ये बात लिखी है, गाय के दूध को देवी और भैंस के दूध को आसुरी माना जाता है। तो भाई यही था, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश देसी गाय घर पे लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी अगर आप भैंस का दूध पीते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भैंस का दूध पीते हो अगर कुछ नहीं करते, आप सिंपल वर्कआउट करते हो, तो रात को सिर्फ 1 गिलास पियो, उसमें अश्वगंधा डाल लो, गुड़ ले लो बस। और अगर आपका वर्कआउट तगड़े लेवल का है, तो पी सकते हो कितना भी, 2-3 गिलास से ज़्यादा भी मत पीना, ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल है कुछ कि हाँ ऐसे ऐसे करके, मतलब है आप प्रबंध कर सकते हो देसी गाय का, तो हो सकता है भाई। आपने देखा भी होगा, अभी 2-3 साल पहले एक न्यूज़ भी आई थी, संजय
संजय एक कोई पहलवान है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था एक, जो कि गाय का गऊ भक्त है, जो आप देखना सर्च करना संजय गऊ भक्त, ठीक है ना, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सिर्फ वो क्या करता है, देसी गाय की खीर खाता है, दूध की खीर, और देसी गाय का दूध, दही, देसी गाय के दूध से जो जो चीज़ें बनती है वो सब। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ये एक षड्यंत्र भी है, देसी गाय को ख़त्म किया जा रहा है, ये षड्यंत्र ही है, क्योंकि महाराणा प्रताप भी देसी गाय का दूध पीते थे। तो कोशिश करो देसी गाय के दूध का प्रबंध करने की। बाकी अगले वीडियो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।